गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 27 निकालिए। यह आपके चैप्टर नंबर 5 संज्ञा का वीडियो पार्ट 3rd है। स्टार्ट करें, चलो हम आपके चैप्टर नंबर 5 का एच शुरू कर रहे हैं। हमने कै है तक क्वेश्चन पहले कर दिया था, अब चैप्टर नंबर 5 का एच डब्ल्यू में क्वेश्चन नंबर गै डै डै और छह कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर गै, कोष्टक में दिए शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर गै देखिए, कोष्टक में दिए शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर फर्स्ट, कश्मीर की रिक्तता सभी को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखा सुंदर, तो इससे क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, क्या बनेगी सुंदरता। तो पहले क्या आएगा, कश्मीर की खालिस्तान में सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। नंबर सेकंड, यहाँ पे रखा है बच्चा, क्वेश्चन क्या रखा है बच्चा, तो खाली स्थान क्या आएगा बचपन। सेकंड में खाली स्थान क्या आएगा, बचपन के प्यारे दिन हमेशा याद आते हैं। नंबर सेकंड देखिए, खाली स्थान यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा, तो बच्चा क्या रहेगा बचपन, क्या आएगा खाली स्थान में। नंबर दो में, बचपन के प्यारे दिन हमेशा याद आते हैं। नंबर तीन, खालिस्तान के कारण उससे चला नहीं जा रहा था, क्वेश्चन क्या रहेगा है थकना, तो यहां पे क्या बन जाएगा इसका भाववाचक क्या बन जाएगा इसका क्या थकावट। तीसरे में खालिस्तान क्या आएगा भाववाचक संज्ञा थकावट के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। नंबर चार, नंबर चार देखिए, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके मुझे अत्यंत खालिस्तान हुई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा प्रसन्न, तो प्रसन्न का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी प्रसन्नता। तो नंबर चार में, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके मुझे अत्यंत खालिस्तान क्या आएगा प्रसन्न, क्या आएगा प्रसन्नता। नंबर चार में खालिस्तान क्या आएगा प्रसन्नता हुई। नंबर पांच, खालिस्तान क्या देखा है इसमें, क्या देखा क्वेश्चन में गर्म और ठंडा, तो नंबर पांच में क्या आएगा गर्मी, खालिस्तान में क्या आएगा गर्मी में कूलर चलाने से खालिस्तान क्या आएगा ठंडक हो जाती है। नंबर पांच में खालिस्तान क्या आएगा गर्मी और ठंडा, क्वेश्चन क्या देखा है गर्म और ठंडा, तो इनका भाववाचक क्या बन जाएगा गर्मी और ठंडा। नंबर पांच में क्या होगा, गर्मी में कूलर चलाने से ठंडक हो जाती है। क्लियर, आपको क्वेश्चन नंबर क्या क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर छह देखिए, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर छह देखिए, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। नंबर पांच, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी वस्तु या स्थान का पता चले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये सही है, इसमें आप सही निशान लगाइए। नंबर दो, समुदायवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। दूसरा भी आपका सही है, आप इसमें आप सही निशान लगाइए। नंबर तीन, पदार्थवाचक संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती, आपका नंबर तीन भी सही है, इसमें भी आप सही का निशान लगाइए। नंबर चार, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, नंबर चार आपका गलत है, इसमें आप गुणों का निशान लगाइए। नंबर पांच, उदासी शब्द भाववाचक संज्ञा है, नंबर पांच आपका सही है, इसमें आप सही का निशान लगाइए। नंबर छह, स्त्री घर नदी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, नंबर छह में स्त्री घर और नदी जातिवाचक संज्ञाएं हैं,
लगाइए, इसको आप सही के अनुसार लगाइए। दोबारा पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन है दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। नंबर एक सही, नंबर दो सही, नंबर तीन सही, नंबर चार गलत, नंबर पांच सही, नंबर छह सही। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद देखिए। यहां पे शब्द लिखा हमने लिखा है, यहां पर संज्ञा भेद। तो नंबर एक मिट्टी, मिट्टी का संज्ञा भेद क्या है? मिट्टी क्या है? पदार्थवाचक। मिट्टी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर दो यौवन, यौवन क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर दो यौवन क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर तीन शत्रुता, शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर चार हीरा, हीरा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। हीरा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर पांच लोहा, लोहा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर छह ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर सात ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर आठ सभा, सभा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। नंबर नौ दल, दल क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। नंबर दस प्रश्न, प्रश्न क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर ग्यारह हाथी, हाथी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर बारह पेड़, पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद लिखिए। यहां पे शब्द, यहां पर संज्ञा भेद। तो नंबर एक मिट्टी का संज्ञा भेद क्या है? मिट्टी कौन सी संज्ञा है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर दो यौवन, यौवन क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर तीन शत्रुता, शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर चार हीरा, हीरा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर पांच लोहा, लोहा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर छह ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर सात ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। नंबर आठ सभा, सभा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। नंबर नौ दल, दल क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। नंबर दस कृष्ण, कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर ग्यारह हाथी, हाथी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर बारह पेड़, पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छह निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर छह निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर देखिए, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर क्रम को समझ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। आंसर देखिए,
संज्ञा के प्रमुख तीन भेद होते हैं। संज्ञा के प्रमुख तीन भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। नंबर फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर थर्ड, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कौन कौन से? नंबर चार, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तथा नंबर पांच कौन सा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर सेवन फिर रिपीट करें पर, इसको फिर रिपीट करें पर, संज्ञा के प्रमुख तीन भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो अन्य भेद और माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, तथा पांचवा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रत्येक के उदाहरण, प्रत्येक के उदाहरण। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण व्यक्तियों के नाम, जैसे कृष्ण सरदार। देशों के नाम, जैसे भारत, रूस आदि। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे व्यक्तियों के नाम कृष्ण राधा। देशों के नाम, भारत, रूस आदि। नंबर सेकंड, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, पुरुष, घर आदि। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, पुरुष, घर आदि। नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे वीरता, जवानी आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे वीरता, जवानी आदि। नंबर चार, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे भीड़, सभा आदि। नंबर चार, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे भीड़, सभा आदि। नंबर पांच, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, हीरा, मिट्टी आदि। नंबर पांच, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक